अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिनर्जी स्ट्रिक्स और मैं हूँ शेरजमीन यूसुफजई। ये जो पेपर कल को एसएसयू का सिंध पुलिस में एसएसयू का पेपर है इसको आप देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास पहले जो क्वेश्चन है द अर्थ डैश अराउंड द सन रोमिंग है, रिवॉल्व है, स्टैंड है, बिगेस्ट। तो ये अर्थ जो है वो रिवॉल्व अराउंड द सन, इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। 3+2 होल स्क्वायर, ये जो मैथ का पोर्शन आपको पहले मैं बता दूं, तो इसको मैंने ब्लैक बोर्ड पर जो है ना बाकायदा इसको एक्सप्लेन किया है, तो इसको वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन अगर मैंने नहीं किया है तो ये 10^3 यानी 10 को आप 10 × 10 करेंगे तो 100 × 1000, 1000 से 1000 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी मैंने ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व की हुई सॉल्व कर रहा हूँ, ये पेपर आपने देख लिए। तो क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप देखें ताकि कंसेप्ट आप सीख सकें, नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चंस आपसे गलत ना हो। तो चैनल को भी साथ लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। पेपर तो आप देख चुके हैं, तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एसएसयू के टेस्ट में जो मैथ के क्वेश्चंस थे, चौथे नंबर पर हमारे पास मौजूद था 3+2 होल रेस टू द पावर 2, ए ऑप्शन में था जी 25, बी था हमारे पास 13 और सी था हमारे पास 10 और आगे था हमारे पास डी जो था वो है 23। तो अब इसको हम डीमास रूल पर सॉल्व कर लेते हैं। डीमास यानी ये क्वेश्चंस नेक्स्ट टेस्ट में ये नहीं आएगा, इसी तरह क्वेश्चंस आएगा। तो इसमें सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन आखिर में हमने करना है। तो इसमें दो ही हमारे पास है, 3+2 होल स्क्वायर, इसको हम 3+2 हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 = होते हैं 25। तो इसमें हमारे पास जो है ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन था इस पेपर में डीमास रूल का, 3+2 एसएसयू टेस्ट में पेपर मैंने दिखाया हुआ है आपको। तो ए था इसमें 7, बी है इसमें 9, सी है इसमें 3 और आगे डी है इसमें 0। तो सॉल्यूशन 3+2 × 4। तो सबसे पहले डीमास रूल जो है ना हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर आपके पास डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, अगर डिवीजन नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन की बारी है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको करेंगे 3+2 = 4 − 4। उसके बाद हम एडिशन को करेंगे, 3+4 हो जाएगा 7 माइनस 4, 7 से 3 निकालेंगे तो 4 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और 3 आपके पास इस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आपके पास मौजूद है। अगला जो क्वेश्चन था इसमें उसको भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है (17^3). तो इसमें ए ऑप्शन हमारे पास था 4,911, फिर आगे थे जी 4,923 और 4,913 और 4,933। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से, 17^3 यानी का मतलब है कि 17 × 17 × 17 3 टाइम करेंगे, तो पहले हम 2 टाइम कर लेते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते, 17 × 49 = 7 × 4 = 7 × 7 = 4 = 11 इसके नीचे 0 लगा देंगे, 7 × 7 = 170 आ जाएगा 9, 8 × 2 = 289 आ गया। अब इस 17 के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 9 = 63 आ जाएगा, 7 × 9 = 63 केरी आ जाएगा 6, 7 × 56 = 7 × 6 = 14 इसके नीचे 0 लगा देंगे, 9 × 1 = 9 8 × 1 = 8 2 × 2 = 3 11 तो ये हो जाएगा 9 और 4
4913 आप देख रहे हैं, यही आपके पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चंस, इसमें परसेंटेज का क्वेश्चंस भी था तो उसको भी सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप लाजमी एंड तक देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बाकी पोर्शन जो मैं अपलोड करूँ वो भी उसका एक बार वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले, इसका ये फ़ायदा होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ये एक सीरियल दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है और 54 और 66, तो ए ऑप्शन इसमें था 44 और आगे था 42 और आगे हैं 36 और 49। तो दोस्तों इसमें आप 6 का टेबल भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 13, 6 4 20, 5 1 30, लेकिन इन दोनों को आप डिफरेंस निकालें, 18 से आप 6 निकालें तो ये 12 रह जाएगा। अब अगर पहले में आप 8 कर लें, 6 प्लस आप कर लें 12, तो ये हो जाएगा 18। तो ये आपके पास पहला नंबर आ गया 18। अब 18 में अगर आप 12 ऐड कर लेते हैं आपके पास आ जाएगा 30। इधर जो नंबर है, अब 30 में आप 12 को ऐड करें तो 42, ये आ जाएगा 42, और 42 में अगर 12 ऐड करें तो 54, और 54 में 12 को जमा करें तो 66 आ जाएगा। तो यहाँ इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ये बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले जो परसेंटेज का इसने दिया था आठवां क्वेश्चंस, 17% आप 1620, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास जो आठवां क्वेश्चंस था, यहाँ पर 17% आप 1620, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारे पास 257.4 है, बी जो था वो 275.4 है, आगे 277.4 है और डी कोई और है जी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 17 ऑफ आपका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 17% ऑफ 1620, तो परसेंट को हम हटा देते हैं बटा 100 कर लेते हैं ज़रब, ठीक है, ये परसेंट 1620, एक ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कैंसिल कर लें तो इससे आपके पास आ जाएगा 17। चलो इधर ही लिख लेता हूँ, 17 मल्टीप्लाई बाय 162 डिवाइडेड बाय 10। अगर आप इसको इस पर तकसीम करेंगे 162 को 10 पर, तो 10 एकम 10 आ जाएगा 6, 2 10 चके 60, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगाएं 0, 10 दुनी 20, 16.2, या पहले के बाद आप पहले डिजिट, 1 0 है तो 0 की जगह 1 हिंसा है, 1 की जगह पॉइंट लगाएंगे, 16.2 आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 16.2, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16.2 मल्टीप्लाई बाई 17, 7 दुनी 14 असल 1, 7 चके 42 और 1 43 असल 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 1 दुनी 2 1 चके 6 और 1 एकम 1, इसको अब प्लस कर लें, 4 3 5 और 7 और 2, पहले हिंसे के 1 हिंसे के बाद इधर पॉइंट है तो इधर भी आप 1 के बाद पॉइंट लगाएं, तो 275.4 आपके पास मौजूद है इस ऑप्शन पे, और ये आपके पास बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह दोस्तों इंशाल्लाह बाकी पोर्शंस भी, इंग्लिश और साइंस का पोर्शन वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द जो है ना अपलोड करूँगा, तो इसलिए चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।